हेलो डियर स्टूडेंट्स, छोटा रिचार्ज सीरीज की इस वीडियो में फ्रिक्शन में ब्लॉक ऑन ब्लॉक का केस लेंगे और मैं अपने फॉर्मूले से आपको आईआईटी जेई का एक क्वेश्चन यूं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो फ्रिक्शन में ब्लॉक ऑन ब्लॉक में मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला क्या था कि अगर किसी रफ सर्फेस पे एक ब्लॉक रखा हो और उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हो, यहाँ पर रफनेस म्यू वन और यहाँ पर रफनेस म्यू टू हो और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए नीचे वाले ब्लॉक पे, तो अगर इस फोर्स की वैल्यू को आप ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो फोर्स की एक मैक्सिमम हमें वैल्यू मिलती है जिस वैल्यू तक ये दोनों ब्लॉक साथ में चिपक के चलते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। यानी फोर्स की वैल्यू अगर इस वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो फिर इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, नीचे वाला ब्लॉक तेजी से एक्सेलरेट हो जाता है और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपेक्षाकृत कम रह जाता है, दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग होती है, ऐसा कुछ होता है, नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाता है। उस फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैलकुलेट करके मैंने कितनी बताई थी, वो आता है म्यू वन प्लस म्यू टू सम ऑफ रफनेसेस सम ऑफ मासेस मल्टीप्लाइड बाय जी। अगर ये फॉर्मूला कैसे आता है, कहां से आता है, उसके लिए आपको मेरी फ्रिक्शन की वीडियो देखनी होगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में भी मैं जो पॉपअप में वीडियो आते हैं उनमें भी मैं उन दोनों वीडियोज को डाल दूंगा। फिर केस नंबर टू में मैंने आपको बताया था कि फिर से अगर वैसा ही केस हो लेकिन अब की बार फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लग रहा हो तो इस फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है जहां तक कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चिपक के चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, उसकी वैल्यू आती है एम वन डिवाइडेड बाई एम टू डिफरेंस ऑफ रफनेसेस। उसमें मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर रफनेस ज़्यादा होनी चाहिए और यहाँ पर रफनेस कम होनी चाहिए, सम ऑफ मास इंटू जी। फॉर्मूला दोनों का सेम है, बस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर दोनों का रेशियो भी है। अब इस पे आईआईटी में क्वेश्चन आया जेई मेंस 2019 में। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक 3 केजी का ब्लॉक है, उसके ऊपर एक 1 केजी का ब्लॉक रखा है, इन दोनों के बीच में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है और 3 केजी और ग्राउंड सरफेस के बीच में भी कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। इस नीचे वाले ब्लॉक पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जा रहा है और पूछा यह जा रहा है कि इस फोर्स की आप मैक्सिमम वैल्यू बताओ सो दैट कि ये ऊपर वाला ब्लॉक इस नीचे वाले ब्लॉक पे स्लाइड ना करे। तो आप सोच के बताओ कि इन दोनों में से ये कौन सा केस है, ये है केस नंबर वन। और केस नंबर वन में फॉर्मूला ठीक आपके सामने है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, सम ऑफ रफनेसेस और बिना पेन यूज किए ऐसा ही सॉल्व कर लेंगे। म्यू वन प्लस म्यू टू अगर करें तो 0.2 प्लस 0.2 कितना होगा 0.4, दोनों मासेस को ऐड करें तो वो कितना आएगा 4, तो 0.4 इंटू 4 इंटू जी की वैल्यू क्वेश्चन में 10 गिवन है, तो 0.4 इंटू 4 इंटू 10, 10 का मल्टीप्लाई 0.4 में होगा 4 और 4 इंटू 4 आएगा 16 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं आईटी जेई मेंस के क्वेश्चन को हम लोगों ने अपने फॉर्मूले से यूं सॉल्व कर लिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों केस, ये पूरा जो ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाला प्रॉब्लम फ्रिक्शन में आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नीट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जेई में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इन वीडियोज को जिनमें मैंने ये वाला फॉर्मूला इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बताए हैं वो आप जरूर से देख लेना।